हेलो टेंथ क्लास, आज अपना चैप्टर नंबर 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। मतलब कि जो हमारी आर्थिक समस्या है, जैसे कि हम जिससे जूझ रहे, गरीबी भी एक तरह की हमारी आर्थिक समस्या है, क्योंकि यदि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो भूखमरी और सब फैलेगी। और पहले गरीबी किससे फैलेगी कि जब अपने पास काम धंधा ही नहीं होगा, तो वो बेरोजगारी एक तरीके से, और बेरोजगारी से क्या फैलेगी, गरीबी। तो जो हमारी आर्थिक समस्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। मतलब कि एक मतलब किस इंसान को हम गरीब मान सकते हैं, और बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी के कितने प्रकार है, इस चैप्टर से एक दो प्रश्न आते हैं और आते ही है, इसको ध्यान से सुनना है ना, और आप लोग भी वापस एक बार रीडिंग करना घर पे। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है, जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है, जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब इतनी सारी आर्थिक समस्या जिसमें से देख लो, जनसंख्या वृद्धि है, मूल्य वृद्धि है, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार होता है, आतंकवाद, ये सब आते हैं इसके अंदर। जिनमें मुख्य आर्थिक समस्या गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। पहला है गरीबी। समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की जो मूल, मतलब गरीब किसे कहते हैं उसके बारे में, जैसे समाज का एक बड़ा वर्ग है वो अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकता, जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, यदि हम वह भी पूरी नहीं करें, हमारा स्वास्थ्य भी आता है उसके अंदर, तो हम किस में आएंगे, गरीबी के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजरता हो, मतलब हम वो भी हमें नहीं मिलता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। अब गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, जैसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी गुणात्मक विचार है। मतलब हम गरीबी को कैसे मान सकते, गुणात्मक, गुण रूप में, इसलिए से गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुतम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, देखो, जिस व्यक्ति को दो समय का पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह एक तो गरीबी मानता। फिर रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती, न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम्स क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम होती, जैसे हम सोचते हैं कि हम महीने के 10-12 कमा लेंगे, लेकिन उससे भी कम कमाते हैं, तो वो गरीबी के अंदर आता है। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम है, जो अधिकांश निरक्षर, यानी कि कम पढ़े लिखे, जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे बड़े रोगों से पीड़ित होते, क्योंकि उनको सही मात्रा में भोजन नहीं मिलता, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होनी चाहिए हमारे भोजन में, वैसा यदि नहीं मिले तो वो विभिन्न रोगों से पीड़ित होते। जिनके बालकों के परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना, यानी कि बाल मजदूरी, छोटे बच्चों का काम। जिनके बालकों के कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास, मतलब इसका गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, जैसे कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है, तो जो लोग गरीब होते हैं उनकी आमदनी बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंधोदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार बीपीएल कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की गई, मतलब उचित मूल्य की दुकान खोल के उनको वहां से कम पैसों में राशन देना स्टार्ट किया गया। दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास हुए हैं। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियामक बोर्ड और ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाले उपभोग, व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना चाहता है। मतलब ये सब चीजें जिनके पास नहीं है
उनको गरीबी के रूप में जाना जाता है। गरीबी रेखा का मापदंड समय, स्थल, सहयोग या परिस्थिति में आने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलता है। अब गरीबी का मापन, भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियां हैं। पहली है किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तु या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, मतलब वो कितना खर्च करता है, और दूसरा एक परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय, यानी कि उनकी आय कितनी है मंथली। परिवार अर्थात अधिक से अधिक 5 सदस्य। गरीबी दो प्रकार की, तो है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। पहली है निरपेक्ष गरीबी। समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। अब है सापेक्ष गरीबी। समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। ऐसे सोच विकसित देशों में, जैसे कि अपने आस पड़ोस में, यदि मैं 10,000 कमाऊँ तो मेरे पास वाला 8,000 कमाए तो वो मेरे से तुलना में कम, मतलब गरीब, ऐसे कम पैसे वाले, इसको सापेक्ष गरीबी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 10,000, 20,000, 30,000, ये तीनों व्यक्तियों की आय अलग अलग है। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय कम है होने से ए व्यक्ति गरीब, और इसी तरह सी व्यक्ति के सापेक्ष ए और बी व्यक्ति की आय कम है तो वे दोनों गरीब। अब भारत में गरीबी, भारत में योजना आयोग ने 2011-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च, मतलब एक व्यक्ति पर पूरे महीने का कितना खर्च होता है, 816 अर्थात प्रति परिवार 4,080, ये ग्रामीण परिवेश में, कौन सी रिपोर्ट में, 2011-12 की रिपोर्ट में, मतलब गरीबों का कैसे आकलन हो। जैसे कि एक व्यक्ति पर 816 रुपए, तो उसमें हमने 5 व्यक्ति माने एक परिवार में कम से कम, तो 4,080 रुपए गांवों में, और शहरी क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति मासिक खर्च एक दिन एक व्यक्ति का 100 रुपए और प्रति व्यक्ति का 5,000 का अनुपात निर्धारित किया गया, अर्थात आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति मासिक आय कम से कम प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो कम से कम पूरी हो सके, इतनी आय तो हमारी होनी चाहिए। इस नए मापदंड के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबों की संख्या घटकर 27 करोड़ हुई थी, और गरीबों की कुल मात्रा कुल जनसंख्या में से घटकर 21.9% हो गई थी। भारत में 2009-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या के 29.8% थी। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जा सके इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आय यूएसए डॉलर $1.90 निर्धारित की थी, जो गरीबी रेखा का मानक है। विश्व बैंक के एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 121 करोड़ में से 32.7 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे, जिनकी संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी। यूएनडीपी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% भारत में कुल गरीब और 26.93 करोड़ों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65% करोड़ लोग तो गांवों में गरीब है और 25.7% लोग शहरों में, 5.28 करोड़ लोग 13.7 गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, जहां पे 36.93% लोग गरीब है, जबकि सबसे कम गरीबी वाला राज्य गोवा है, जहाँ 5.9% लोग गरीब हैं। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा है। भारत में औसत 30% से अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्य में पहला है छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, ये सब गरीबी प्रदेश में आते हैं। भारत विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध है, मतलब ये सारी चीजें अपने भारत के पास है, परंतु इन विपुल संसाधनों का सुयोग लाभ उठाने की क्षमताओं का अभाव है। शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल का भी अभाव है। वर्षों के त्रुटिपूर्ण आयोजनों के कारण इन प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों के कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न हो पाने के कारण लोगों में गरीबी का अनुपात नहीं घटा है। इसे कहा जाता है कि अमीर भारत में गरीब रहते। भारत तो अमीर है क्योंकि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, बहुत सारी चीजें
नेचुरल है, फिर भी हम लोग गरीब है। अब है ग्रामीण गरीब। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में अधिकांश भूमिहीन, जिनके पास अपनी भूमि नहीं हो कृषि के लिए, जो मजदूर है, गृह उद्योग या कुटीर उद्योगों के कारीगर है, सीमांत किसान है, मतलब किसी के यहाँ रहकर किसानी करते है, भिक्षुक है, दैनिक मजदूर है, दिहाड़ी वाला, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते जो आदिवासी लोग, जनजातियां है, ये सब ग्रामीण गरीबी है। और शहरी गरीबी, शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में जो काम चलो मजदूर, बेरोजगारी, दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले, गले या होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं भी संतुष्ट नहीं कर सकते और वे गरीबी में सड़ रहे। अब गरीबी के उद्भव के कारण, मतलब गरीबी कैसे बढ़ी। गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है, जिसके कारण निम्नानुसार है। कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र में से प्राप्त होने वाली आय में कमी, कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव। यानी कि जब पहले तो पहला पॉइंट क्या है, कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास, यानी कि हमारे क्या होता है, कभी तो अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी बारिश आती नहीं है, इस कारण हम न तो ढंग से कृषि कर पाते हैं और पूरा परिवार कृषि पे ही लगा रहता है, तो उससे आय भी हमें कम मिलती है। फिर कृषि के अलावा जैसे देखो, 4 महीने यदि खेती का टाइम है तो हम 4 महीने करेंगे, फिर यदि नहीं है तो हम 4 महीने फ्री बैठेंगे और कोई वैकल्पिक रोजगार हमारे पास नहीं है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक जैसे ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण का अभाव है। लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, वो ट्रेनर मतलब ट्रेंड नहीं होते है, तो उनको सब चीजों का पता नहीं होता है। फिर जाति प्रथा तथा रूढ़िया परंपराओं के कारण, रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। जैसे कि किसी एक आदमी का पिता ऑफ हो गया तो वो उसको मृत्यु बोझ करना है। हालांकि अब तो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि मृत्यु बोझ वगैरह बंद कर दिया, लेकिन ये सब पहले होता था तो इंसान मतलब और गरीब हो जाता था। इस प्रकार गैर उत्पादी के खर्च में भी वृद्धि होने से, फिर निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं तो उनको उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता है, जिस कारण उनका शोषण और अन्याय होता है, और सरकारी योजनाओं की जानकारी के बारे में भी उनको पता नहीं होता, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला। जैसे कि नकदी फसलें कौन सी, कपास, जूट वो वाली, और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े, जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से, आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थानांतरण बढ़ा, मतलब यहाँ लोग गांवों से पलायन करने लगे, कृषि की आय घटने से गरीबी, कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने, स्वास्थ्य विषय खर्च बढ़े, आय स्थिर रही, उपचार दवा पर खर्च में वृद्धि हुई, इनमें वृद्धि हुई, लेकिन आय तो जैसे वो महीने के 1000 कमाते तो 1000 ही कमाए, लेकिन खर्चे 1000 से 10 गुना बढ़ गए। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, जो परंपरागत जो पहले जो व्यवसाय थे, लोग घरों में काम करते थे, वो सब बंद हो गए, उनकी जगह मशीनों ने ले लिए, इससे बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी, औसत आयु सीमा बढ़ी, श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी बढ़ी, दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े, क्रय शक्ति यानी कि कमाने की शक्ति कम हुई, जीवन स्तर गिरा, अंत में गरीबी में वृद्धि हुई। अब गरीबी निवारण की व्यूह रचना, यानी कि क्या क्या रचनाएं की गई गरीबी को दूर करने के लिए। गरीबी का विषय विश्व चक्र भारत में पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके कारणों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूह रचना अपनानी चाहिए ये समझना सरल होगा। अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 सालों के लिए योजना बनाई जाती है, जिसके अंदर सब तरह का रखा जाता है कि इन 5 साल में हमें कितना विकास करना है, कितनी GDP रखनी है, फिर किस क्षेत्र में हमें ज्यादा विकास करना है, इस तरीके से वो हर 5 साल के लिए बनती है। अब पंचवर्षीय योजनाएं बंद होके उसके आगे अभी नीति आयोग बना है, तो उसमें भी मतलब 5 साल के आधार पर ही योजना बनती है कि पूरे 5 सालों में हमें कितना विकास करना है,
लेकिन उसको अब पंचवर्षीय योजना नहीं बोल सकते, अब उसको नीति आयोग बोलते। और कुल अभी तक स्वतंत्र भारत, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं 1956 से लगा के अभी तक, मतलब 2014 से नीति आयोग बना है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण सीकर भले ही शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ें तो गांवों में ही हैं। गांव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसीलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाज पत्र में से बड़ा हिस्सा ग्रामोदर पर खर्च किया जाना चाहिए था। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गांवों के विकास के द्वारा ही संभव। मतलब जितनी सारी पंचवर्षीय योजना बनी उसमें गांवों को तो उन्होंने रखा ही नहीं, सब शहरों का विकास ही किया, जबकि असली विकास तो गांवों का होना चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने गांवों की उपेक्षा की, इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्राम उद्योग के स्थान पर देशोद्वार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं, कृषि क्षेत्र का विकास और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाएं और कार्यक्रम अमल में रखे। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणाम स्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी। पहला पॉइंट है, आजादी के बाद के वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर के और भारी तथा चाबी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल से कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और उससे आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी, उद्योगों के विकास में भी उद्योग मालिकों को मिलने वाली आर्थिक लाभ उद्योग मालिकों, धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीबों तक पहुंचेगा। मतलब जो मेन सेठ लोगों तक जो पूरा पहुंचता वो गरीबों तक भी पहुंचेगा, इससे गरीबों की संख्या घटेगी। परंतु ये व्यू रचना आशावाद ठगी निकली, देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही, मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्याय और असमान वितरण की गति भी धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्याय और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति के केंद्रीकरण का समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में रही, मतलब कुछ लोग ही पैसे वाले बने और कुछ बहुत ज्यादा गरीब बने। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक धनिक और गरीब बन गया। सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन की अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त होती रहे, उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज वस्तु और सेवाओं, मौज शौक तथा भोग विलास की चीज वस्तु और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए। मतलब कि इन सब टैक्स लगा लिया जो पैसे वाले लोग हैं उनकी रोजमर्रा की चीजों पर, ताकि गरीब लोगों का उसका मतलब हिस्सा मिल सके। इसके साथ ही गरीबों की चीज वस्तु पर उपयोग खर्च ना बढ़े, आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं संतुष्ट करने पर खर्च न हो, इसको ध्यान में रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकताओं की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन यानी कि उचित मूल्य की दुकान द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने की व्यू अपनाया। इस तरह धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों की चीज वस्तुओं के उत्पादन की तरफ बढ़े, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। इस प्रकार गरीबों की रोजगारी बढ़े, कार्य क्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। मतलब टैक्स लगाकर और गरीबों को सस्ते में सारी चीजें देकर। तीसरा पॉइंट है, गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर भी विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिक की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र के धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषि
कृषि मजदूरों, गणोतियों की आय में वृद्धि हो, इस तरह गरीबों की स्थिति में सुधार लाने की व्यूह रचना अपनाई। सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियां विकसित हो, जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मतलब मिश्रित प्रकार की कृषि, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को विशेष प्रोत्साहन सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग, ऐसे उद्योग धंधों में रोजगारी बढ़े तथा परंपरागत व्यवसाय, जो पुराने व्यवसाय हस्तकला मतलब हाथों से बनाई हुई, कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीतियां घोषित करके आर्थिक सहायता दी, मतलब उनको मदद दी एक तरह से कि आप भी अपना कारोबार स्टार्ट करो, हम आपको मदद करेंगे। कुछ गृह उद्योग को कानून से आरक्षित रखे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सृजित हो, ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले, इस उद्देश्य शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो। जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौशल विकास, पता है ना आपको, बहुत चला है, इसमें 15 से 35 साल के लोगों को प्रशिक्षण देकर उनको किसी भी काम धंधे में लगाया जा सकता है। ऐसे प्रबंध किए जिसमें उसमें रोजगार लक्षी क्षमताओं का विकास हो, रोजगार के नए क्षेत्र खुले जिससे आय बढ़े और परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की व्यूह रचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए। पांचवा पॉइंट है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार नियोजन, संचार, अंतर सुविधा युक्त ढांचे में सुधार किया है। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार किया। फसल की विविध प्रजातियां विकसित की, बीज, खाद, ट्रैक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाए, ग्रामोद्वार के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए, स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, मतलब जैसे गांव के तो गांव के स्तर पर ही खोले, जिसमें शहरों की तरफ स्थानांतरण घटे और शहरों का जनसंख्या का भार घटे, ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालय और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नजदीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करें, टेक्निकल और व्यवसाय लक्षित पाठ्यक्रमों मतलब टेक्नोलॉजी और जो उनको रोजगार दे सके ऐसे पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा खड़ी की, युवक युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने का तक अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप, फीस माफी की सुविधाएं, आश्रम शालाओं, कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन जैसे अनेक कदम उठाए, महिला सशक्तिकरण के प्रयास रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम लागू किए। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने में व्यूहात्मक रूप से और क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है। इन उपायों के लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तथा घर कर गई है कि गरीबी की समस्या को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देने के स्वप्न को साकार करने में और विश्व बैंक के 2030 तक विश्व में गरीबी को निर्मूलन, पूरी गरीबी को हटाने करने के विश्व